पाम ऑयल के बारे में बात करेंगे, ये भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फर्स्ट देखते हैं वेजिटेबल ऑयल क्या होता है। वेजिटेबल ऑयल या जिसको वेजिटेबल फैट ऑयल भी बोलेंगे, वो क्या होता है, फैट्स होते हैं जो कि हम जो प्लांट होता है उसकी सीड से निकालते हैं, या उसका कोई अदर पार्ट होगा फ्रूट का, सीड की बाहर वाली कवरिंग है उससे आप निकालोगे। तो बेसिकली ये वाला जो है पाम ऑयल, इसका भी हमारे पास में इस टाइप का सीड होगा या फ्रूट होगा, उसके पल्प से निकालेंगे। जो सीड होगा सीड से निकाला जाएगा, बाहर वाला जो पल्प होता है उससे निकालेंगे। कुछ हमारे सीड से निकालते हैं जैसे मस्टर्ड वगैरह आ गए, तो वैसी चीज़ें वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल फैट ऑयल क्या होगा, फैट होगा जो कि सीड से निकालेंगे या फिर हम फ्रूट से निकालेंगे। और जो हम घरों के अंदर यूज़ करते हैं ऑयल वगैरह, तो वो भी हमारा वेजिटेबल ऑयल होता है, वो भी हम सीड से या बाहर वाले पल्प से निकालते हैं। तो उसी टाइप का ऑयल, जैसे कौन कौन से ऑयल हो सकते हैं, पाम ऑयल हो सकता है, सोयाबीन ऑयल, रेपसीड, सनफ्लावर, पीनट, कॉटन सीड, पाम कर्नल, कोकोनट, ऑलिव ऑयल, तो ये सारे वेजिटेबल ऑयल के एग्जांपल हैं। अब कितना कंज्यूम किया जाता है, कौन सा वर्ल्ड के अंदर में, सोयाबीन और पाम ऑयल को सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, कितना करते हैं याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो हमारा पाम ऑयल है वो भी एक वेजिटेबल ऑयल का एग्जांपल है, और वेजिटेबल ऑयल से आप काफ़ी काम कर सकते हो। एक तो एडिबल भी हो सकता है, खाने वगैरह के काम आ सकता है, आप अपनी बॉडी पे यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा इससे आप इथेनॉल वगैरह बना सकते हो, मीन्स बायोफ्यूल वगैरह आपके द्वारा बनाए जा सकते हैं इससे, तो ये सारे काम इससे किए जा सकते हैं। और जो पाम ऑयल होता है वो बाहर वाला जो रेडिश पल्प होता है, उसका रेडिश जो पल्प है उससे बनाया जाता है, ये सीड से नहीं निकालते हम। तो उतना खास कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट रिमेंबर करो। और पाम ऑयल के लिए इतने बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, इस टाइप का आपको पेड़ देखने को मिलेगा, 3 से 4 साल इसको बड़े होने के लिए लगेंगे, और बड़े बड़े फार्म्स होते हैं। तो इसका नुकसान सबसे ज़्यादा ये होता है कि ये वाला एरिया ट्रॉपिकल एरिया में मोस्टली देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल में भी दो कंट्रीज सबसे ज़्यादा उगाती हैं इसको, एक इंडोनेशिया, दूसरी मलेशिया। अब अगर इतनी बड़ी बड़ी आप फील्ड लगाओगे तो उसके लिए आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को क्लीन करना पड़ेगा। तो उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर लैंड क्लीन किया है इन सबको उगाने के लिए, क्योंकि इनकी डिमांड भी आप देख सकते हो वर्ल्ड के अंदर में काफ़ी ज़्यादा है, टॉप के ऊपर है। तो उसके बाद बात करते हैं, पाम ऑयल एमर्ज किया है ग्लोबल में वेजिटेबल ऑयल का काफ़ी अच्छा सोर्स, इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है इसका। एंड अगर बात करते हैं 33% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल ऑयल उसकी प्रोडक्शन पाम ऑयल से होती है। तो फैक्ट पे ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे 41 बताया हुआ है, यहाँ पे 33 है, तो उतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं आपको। उसके बाद में पाम ऑयल की जो डिमांड है जैसे वो इंक्रीज़ होती है, तो उसके लिए सब्सटेंशियल जो ट्रैक होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के, ट्रॉपिकल रीजन में, उनको साफ़ कर देते हैं। पाम ऑयल का यूज़ क्या कर सकते हैं, फूड वेस्ट यूज़ हो सकता है, कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, बटर घी वगैरह के लिए आप सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको थोड़ा चेंज करके, नॉन फूड कॉस्मेटिक सोप वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो डिफॉरेस्टेशन इससे देखने को मिलेगा। हमारा इंडोनेशिया का बॉर्नियो आइलैंड है, वहाँ पे सर्वे के दौरान पाया गया कि 73% जो फॉरेस्ट कवर था वो डिक्लाइन हुआ 1985 से लेके 2005 तक। तो 73% से लेके ये 50% तक पहुँच गया, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला फॉरेस्ट के कवर का। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी का काफ़ी नुकसान होता है, इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है ऑरंगउटन का, ये एक एप की स्पीसीज है, तो जैसे गोरिल्ला वगैरह होता है उसी तरीके वाली ये भी एक स्पीसीज़ है, जिसका हैबिटेट होता है जो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर में, इस एरिया के अंदर में देखने को मिलता है, उसको भी थ्रेटेंड है। 3 लाख की संख्या हुआ करती थी 1900 में, और प्रेजेंट डे के अंदर में 50,000 के करीब में बची हुई है। नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज, 15% सारा जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस ऐसी गैसेज जो कि क्लाइमेट को गर्म, हमारे अर्थ को गर्म रखने के लिए मदद करती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस ऐसे पॉजिटिव होती हैं, लेकिन ज़्यादा अगर इंक्रीज़ हो जाएँ तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं। तो 15% जो है वो हमारा कॉज होता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, तो आप मान सकते हो इससे भी काफ़ी डिफॉरेस्टेशन होती है। पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र जो यूज़ करते हैं इसके लिए, वो और ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं हमारी एनवायरमेंट को। फिर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का, और वर्ल्ड की लगभग 23% जो डिमांड है वो इंडिया के अंदर में है, ठीक है। और इंडिया मेनली इंडोनेशिया और मलेशिया से लेके आते हैं, इसीलिए एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को एक्यूज़ करते हैं, पूरा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट साफ किया गया उसके लिए इंडिया को बोला जाता है। टोटल वेजिटेबल ऑयल अगर कितना इंपोर्ट किया हमने, टोटल तो हमने किया लगभग 14 मिलियन टन के करीब में, जो कि इंडिया का जितना इंडिया प्रोड्यूस करता है उसका लगभग डबल है, तो इंडिया उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। और इसमें भी हमारा ये पूरे वेजिटेबल ऑयल की बात की जा रही है, हमारा अगर इसमें पाम ऑयल का अगर शेयर देखेंगे तो लगभग आप मान सकते हो कि 7 से 8 मिलियन टन के करीब में इसमें पाम ऑयल होगा। उसके अलावा भी हमारा सोयाबीन एंड मस्टर्ड, सनफ्लावर, उस टाइप का थोड़ा बहुत हम इंपोर्ट करते हैं। एंड अगर स्टेट वाइज प्रोडक्शन की बात करें पाम ऑयल प्रोड्यूस करने की, तो आंध्र प्रदेश उसमें टॉप के ऊपर आता है, तो ये फैक्ट याद कर लेना, आंध्र प्रदेश टॉप के ऊपर आता है। मेजर कॉन्स्टेंट क्या है, डोमेस्टिक कल्टीवेशन इंडिया क्यों नहीं कर पाता पाम ऑयल की इतनी सारी डिमांड होने के बावजूद भी, एक तो जियोग्राफी कौन से एरिया इसके लिए आइडियल है, वो है 8 डिग्री नॉर्थ और साउथ। तो आपको पता होगा इक्वेटर, सेंटर के अंदर इक्वेटर होगी, उसके बाद में फिर यहाँ पे डिग्री
जितना एंगल वगैरह बनाते हैं उस हिसाब से डिग्री होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उस टाइप से, तो 8 डिग्री यहाँ से अगर इक्वेटर होगी तो 8 डिग्री तक कवर करेंगे और इंडिया उस डिग्री में नहीं आएगा। और उसके लिए रेगुलर रेनफॉल की आवश्यकता होती है, अदरवाइज़ ये वैसे विदस्टैंड कर सकता है, 3 से 4 मंथ ड्राई विदस्टैंड कर सकता है अगर सॉइल का टाइप अच्छा हो। तो हमारे आंध्र प्रदेश वाले रीजन के अंदर अच्छी सॉइल है, वहाँ पे ये प्रोड्यूस किया जाता है। उसके अलावा बात करते हैं लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है इसका, मीन्स जब वो फ्रूट देने लगेगा, आपको बेनिफिट देने लगेगा, तो आपको उगाना पड़ेगा लगभग 3-4 साल तक इसको उगाना पड़ेगा। अब हमारे फार्मर पहले से गरीब हैं, 3-4 साल तक क्या करेंगे इतने बड़े ट्रैक पे अगर इसको उगाएंगे। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग है इंडिया के अंदर में, तो लोग अपने लिए खाना वगैरह उतने तक का उगाने की कोशिश करते हैं, ना कि इसको। फिर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है, कॉर्पोरेट सेक्टर कम इन्वेस्ट करता है इंडिया में इस एरिया के अंदर में, इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर में मेन उनका यही प्रोफेशन है। गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात करते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है पीडीएस सिस्टम के थ्रू, लोगों को पाम ऑयल सस्ते में प्रोवाइड करवाती है कुछ एरियाज़ के अंदर में, कुछ स्टेट के अंदर में। उसके अलावा हमारी आइसोपॉम स्कीम है, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर ऑयल सीड पल्सेस ऑयल पाम मेज, इसके अंदर इनको सहायता दी जाती है इसको प्रोड्यूस करने के लिए। उसके अलावा एक बॉडी है जिसका नाम आप याद कर लेना, राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल ऑयल। तो ये राउंड टेबल ऑन सस्टेनेबल ऑयल जो है एक नॉन फॉर प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट कमाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये काफ़ी सिंपल सी ये काम क्या करती है, सर्टिफिकेशन देती है आपका पाम ऑयल अच्छे सस्टेनेबल वे के अंदर बना हुआ है, आपने कम उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ किया हुआ है, आपने उसके लिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को क्लियर नहीं किया। तो ये कुछ क्राइटेरिया बताते हैं, ये आपको क्राइटेरिया बताएंगे, अगर आपने उस क्राइटेरिया से प्रोड्यूस किया तो आपको ये सर्टिफिकेशन देंगे। सर्टिफिकेशन देने का मतलब इंपॉर्टेंट बन जाती है वो चीज़, क्योंकि जब वो जाएगी हमारी मार्केट के अंदर में तो लोग देखेंगे कौन सा, अगर वो सस्टेनेबल तरीके से बनी हुई है ये प्रमोशन करेंगे उसकी, अगर सस्टेनेबल तरीके से बनी है तो वो उसकी ज़्यादा खपत की जाएगी। तो इसको 2004 में इसको बनाया गया था, और मेनली इसको किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया नहीं, वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो उगाने वाले हैं वो इसके अंदर मेंबर बने, जो बेचने वाले हैं वो सब इसके मेंबर बने, और सस्टेनेबल तरीके से पाम ऑयल हो पूरे प्लानट के लिए, उसके लिए इनके द्वारा काम किया जाता है। तो इसमें ये कुछ क्राइटेरियाज़ वगैरह बनाते हैं, उन क्राइटेरियाज़ को कंप्लाई करना पड़ता है, फिर आपको सर्टिफिकेशन मिलती है इसमें। जैसे सर्टिफिकेशन कितने एरिया को दिया जाता है, तो ये धीरे धीरे करके आप देख सकते हो कि इंक्रीज़ हो रहा है इनका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और कितना प्रोपोर्शन ग्लोब के अंदर में सिर्फ 19% जो हमारा पाम ऑयल है उसको सर्टिफाई कर पाते हैं ये, बाकी वाला क्राइटेरिया मीट नहीं करता या वो उनको सर्टिफिकेशन के लिए नहीं आमंत्रित किया जाता, इनको नहीं बोला जाता, तो सिर्फ 19% ये सर्टिफाई करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। तो कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, जैसा आप देख सकते हो डिसऑर्डर मीन्स कुछ नेगेटिव बात होगी, कोलैप्स हो जाएगी इसमें। तो कॉलोनी जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं, बी जो होती है वो कॉलोनी के अंदर रहने के लिए जानी जाती है, तो उनका कोलैप्स होना मीन्स वो एक बार अपना खाना वगैरह लेने के लिए बाहर गई लेकिन वो वापस नहीं आ पाई, तो उसको बोलेंगे कॉलोनी कोलैप्स सिंड्रोम। कॉलोनी कोलैप्स सिंड्रोम के अंदर में जब मेजॉरिटी ऑफ वर्कर बी जो होंगी वो डिसअपियर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे देख लो, पहले जो कॉलोनी होती है हमारी मधुमक्खी की, उसमें 3 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होती है क्वीन जो कि सिंगल होगी, जो मेन उसकी रानी होगी वो काम करेगी एग्स को ले करने का काम करेगी। दूसरे होते हैं वर्कर बीज, ये हमारी फीमेल होती हैं, सारी वर्कर बीज फीमेल होती हैं, ये सबसे ज़्यादा नंबर के अंदर होती हैं, और इनका मेन काम क्या होता है, जो इनके एग्स हैं उनको नरिश करना, सफाई वगैरह करना, अपने जो छत्ता होगा मधुमक्खी का उसकी उसको कंस्ट्रक्ट करना, फिर बाहर से नेक्टर लेके आना, उससे फिर ये मधु बनाएंगे, हनी क्रिएट ये करेंगे, तो सारा काम इनका होता है। मीन्स पूरा जिंदगी जितनी इनकी होती है वो पूरी ज़िंदगी ये काम करते रहते हैं बिना कुछ मांगे हुए। तो वर्कर बीज फीमेल्स होती हैं, क्वीन भी फीमेल होगी, क्वीन एक होगी, वर्कर भी काफ़ी सारी होंगी, मीन्स मैक्सिमम वर्कर भी होंगी। उसके अलावा होते हैं हमारे पास ड्रोन्स, वो होते हैं मेल, ये कम नंबर के अंदर होते हैं और ये कुछ काम नहीं करते। जो ड्रोन्स होते हैं उनका मेन काम होता है कि जो हमारी क्वीन है उसके साथ में कॉपुलेट करना है इन्हें, तो उसके लिए इनके द्वारा ट्राई किया जाएगा, उसके लिए प्रोसेस होती है इनकी, और उसी के अंदर में एक बार जब क्वीन को कॉपुलेट किया जाएगा उसके बाद में जो ड्रोन होता है वो मर जाते हैं। तो आपको बेसिक क्या समझना है इसमें, एक हुई क्वीन, वर्कर ड्रोन, ड्रोन मेल होते हैं और वर्कर जो है मेन पूरा काम करते हैं, पूरे जो घर बार देखना होता है उनका वो पूरा काम करते हैं, क्वीन मज़े से आराम करती है, वो जो छत्ता होता है उसकी रानी होती है, और ये ले करती है एग, इसका मेन काम यही होता है कि एग ले करेंगे और फिर उसको बच्चे उसके जो वर्कर वगैरह हैं वो उसको पालेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है इसमें, जो कॉलोनी कोलैप्स सिंड्रोम है, डिसऑर्डर है, इसमें वर्कर जो बीस होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, वो बाहर जाती हैं लेकिन उनको आने का रास्ता नहीं मिलता, तो वो मर जाती हैं और क्वीन को या तो पीछे छोड़ देंगी, और काफ़ी सारा फूड आपको देखने को मिलेगा उस छत्ते के अंदर में किसी ने यूटिलाइज़ नहीं किया, जैसा आपको पता कि ये अपने लिए फूड इकट्ठा करते हैं बाद में फिर ये खाते हैं उस फूड को, तो उस फूड को इनके द्वारा देखा जाता है। और कुछ हमारे पास में जो छोटे छोटे बच्चे होंगे इनके वो वहाँ पर रह गए होंगे, इमेच्योर बेबीज़, तो इसको बोलते हैं कॉलोनी कोलैप्स सिंड्रोम।
इंपॉर्टेंस की अगर बी की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये क्या करती हैं, नेक्टर जब ये शक करती हैं तो ये पोलन स्क्रीन को लेके जाती हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट, मीन्स फर्टिलाइजेशन, उनकी पोलिनेशन में हेल्प करती हैं ये, या फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करती हैं ये भी आप बोल सकते हो। तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है इनके ऊपर। काफ़ी सारे हमारे प्लांट होते हैं जैसे वेरियस काइंड के, आप किसी को बोल सकते हो मस्टर्ड के खेतों में या सेब वगैरह या कोई भी, उनके अंदर में 30% वर्ल्ड की क्रॉप जो है उसको क्रॉस पोलिनेशन होती है, मीन्स दो प्लांट अलग अलग प्लांट सेल्फ पोलिनेशन के अंदर में मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होंगे और वो आपस में ही फर्टिलाइज कर लेंगे, लेकिन क्रॉस पोलिनेशन के अंदर में दूसरे प्लांट की आवश्यकता होती है। दूसरे प्लांट की आवश्यकता है तो यहाँ से ट्रैवल करना पड़ेगा, जो पोलन होता है मेल पार्ट उसको ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ पे। अब उसके हाथ पैर नहीं होते, वो वैसा ही होता है, तो जो बीज वगैरह होती हैं उनके टांगों के साथ में चिपक के निकल जाएंगे और जब वो इस प्लांट के ऊपर जाएगा तो उसको पोलिनेट करेंगे। और 90% जो वाइल्ड प्लांट होते हैं वो डिपेंड करते हैं इनके ऊपर। तो सिर्फ बीज के ऊपर नहीं, हमारे काफ़ी अदर काइंड के इंसेक्ट भी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, लेकिन बीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इसके लिए। सिम्टम की बात करते हैं, जब कॉलोनी कोलैप्स सिंड्रोम होगा तो क्या सिम्टम होंगे, कोई अडल्ट बी उसमें देखने को नहीं मिलेगी, जो मधुमक्खी का छत्ता होगा, या कुछ मरी हुई बीज देखने को मिलेंगी, कैप्ड ब्रूड देखने को मिलेंगे। कैप्ड ब्रूड का मतलब कि जब जैसे यहाँ पे जो क्वीन होगी वो क्या करेगी, इस टाइप के छोटे छोटे पॉट्स होते हैं या मतलब मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जो थोड़े छोटे छोटे छेद होंगे उनमें क्या करेगी, वो अंडे देगी, उसके बाद में उनको कवर कर दिया जाता है, उनको कैप कर दिया जाता है, फिर बच्चा जो आता है वो उसको वहाँ से पेनिट्रेट करके बाहर आता है बच्चा। जैसे ये मान सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप की कवरिंग होती है, पूरा कवर कर देते हैं वो, वहाँ से बाहर आता है, तो इस टाइप के वो बाहर नहीं आ पाएंगे बच्चे वगैरह, इनको फीडिंग वगैरह नहीं होगी। एंड उसके अलावा फूड इसमें स्टोर वगैरह करके रखी होगी जिसको ईट नहीं किया होगा, काफ़ी प्लेंटी मात्रा में देखने को मिलेगी और वो नॉर्मल वैसे ही पड़ी होगी। उसके अलावा जो वर्कर बीज हैं वो आने मतलब नहीं आ पाती, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और वो कॉलोनी में वापस नहीं आ पाती, मर जाती हैं। कॉज हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता होगा ये हाइबरनेशन के अंदर जाती हैं, मीन्स कि कुछ समय के लिए ये सुप्त अवस्था के अंदर चली जाती हैं। उसके बाद जब ये बाहर निकल के आती हैं तो इनको पता होता है इन्होंने कब बाहर निकलना, जो फ्लावर वगैरह कब वो ब्लूम करेंगे, हम तभी बाहर आएंगे। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो उनका फ्लावर का ब्लूमिंग का टाइम है वो प्रीमेच्योर ब्लूम कर रहे हैं, उसके कारण जब ये बाहर आते हैं तो फ्लावर जो थे ब्लूम करके चले गए होते हैं, अब इनको कुछ नहीं मिलता खाने के लिए, कुछ नहीं मिल रहा है उस टाइम, तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है। पेस्टिसाइड के कारण इनको नुकसान हो रहा है, वो डायरेक्टली इंसेक्ट को प्रभावित कर रहे हैं, फ्लावर के अंदर में पेस्टिसाइड आ जाता है तो उसकी वजह से प्रभावित करते हैं। उसके अलावा एक पैरासाइट है, वेरोआ माइट पैरासाइट है, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी थोड़ा नाम सुना हो तो काम आ जाएगा। उसके अलावा माइक्रो मॉल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन के अंदर बी कीपर जो हैं वो हनी वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं, उनके लिए वैसे आइडियली आप थोड़ा सा हनी निकाल लो वहाँ से, उसके बाद में कुछ हिस्सा उनके लिए छोड़ दिया जाता है जो ट्रेडिशनल रूप से करते हैं, जो बीस हैं उनके लिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि उनको भी खाना होता है अपना हनी, अपने लिए कलेक्ट करते हैं वो। तो वैसे जो है कई बार क्या होता है, ज़्यादा लालच में आप पूरा निकाल लोगे और वहाँ पे फ्रक्टोज का कॉर्न सिरप, जो शुगर वगैरह का आप सिरप डाल दोगे उसमें ताकि वो ईट कर लें, उससे उनको माल न्यूट्रिशन होती है क्योंकि उतना न्यूट्रिशियस नहीं होता वो। उसके अलावा मेटल पॉल्यूशन होने के कारण, मेटल पॉल्यूशन सॉइल में होता है, सॉइल से जाता है फ्लावर में, फ्लावर से जाता है फिर वो बीज के अंदर में, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्लस हैबिटेट लॉस, जंगल वगैरह काटे जा रहे हैं तो उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। प्रोटेक्ट अगर करना हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी, फार्मर को इंसेंटिव दो, फॉरेस्ट में आप कंजर्वेशन करो फॉरेस्ट की, बी में रिसर्च करो, प्लस इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब आपने जो फर्टिलाइजर वगैरह है उनका बहुत ही कम यूज़ करना है, आपने अदर टेक्निक यूज़ करनी है, मीन्स अच्छी क्वालिटी के प्लांट लगाओगे, फिर अच्छे टाइम के ऊपर फर्टिलाइजर दोगे उनको, बीमारी वगैरह का पता लगोगे, उसका अच्छा एक्शन लोगे आप, तो पेस्टिसाइड का कम से कम यूज़ करेंगे इसके अंदर में, नेचुरल मेथड यूज़ करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नियोनिक्टोनाइड। नियोनिक्टोनाइड क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं, मीन्स ऐसे केमिकल जो कि इंसेक्ट को मारने के लिए डाले जाते हैं, इनको नियोनिक्टोनाइड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें निकोटीन होती है और ये हार्मफुल होते हैं बीज के लिए, हार्मफुल होते हैं। इनमें काफ़ी वेराइटीज़ हो सकती हैं, तो वेराइटीज़ आपको वैसे थोड़ा बहुत इनके बारे में, इनके नाम थोड़े बहुत याद कर लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन के अंदर में इस टाइप का मतलब इनके नाम दिए और आपसे पूछा गया कि क्या चीज़ है, इंसेक्टिसाइड है पेस्टिसाइड है, उस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला था 2019 में आई थिंक या 18 के अंदर में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, तो इस टाइप से आप याद कर लेना इनको, मतलब एक बार देखे हो तो तीन चार पूछेंगे और बोलेंगे क्या चीज़ है, इंसेक्टिसाइड है ये या कोई ड्रग टीबी के लिए नई दवाई बनाई, तो उतना पता होना चाहिए। हार्मफुल होते हैं इंसेक्ट के लिए, स्पेसिफिकली बीज के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे बायोडायवर्सिटी चैप्टर 9। थैंक यू।